Hello guys, this is again Gunjan here on your own channel, that is Commerce Hunter. I welcome you all on this channel again. So in today's class, we are going to start with the foreign trade. Okay? अभी तक जो हमने discuss किया था, basically हमारा introductory part, ठीक है? और उसके बाद हमने agriculture sector read किया था. After that, we are covering industrial sector in our third class, and now we are doing our fourth class, that is foreign trade. Okay? सो फॉरेन ट्रेड कैसी थी? फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जब हमारा एक्सचेंज होता है हमारा कंट्रीज का, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमारे क्या चलता है? डॉलर चलता है. सो बेसिकली जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है वो फॉरेन कैपिटल से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, ठीक है? जैसे हमारी कंट्री में क्या चलता है? रुपीज चलता है. बाकी कंट्री में हम लगाकर चलते हैं जैसे डॉलर चलता है, ठीक है? सो डॉलर और रुपी का जब हम एक्सचेंज आउट करते हैं, मीन्स हमने कुछ सर्विसेज उनको दी और उनसे या हमने कोई सर्विसेज ली, तो हमारा रुपी डॉलर में चेंज होके वहां जाएगा और वहां का डॉलर यहाँ आएगा. सो दैट इज व्हाट वी कॉल फॉरेन एक्सचेंज, और वी कैन ऑल्सो से दैट फॉरेन ट्रेड, ठीक है? सो फॉरेन ट्रेड बिफोर कॉलोनियल रूल, इंडिया हैज मोनोपोली पावर ऑन द एक्सपोर्ट, ठीक है? जो कॉलोनियल पीरियड था उससे पहले हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा था, यानी कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था ना वो बहुत बढ़िया था. हम किस किस की खेती करते थे? जो हमारे किसान थे, हमारे फार्मर्स थे, वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह कर लेते थे, ठीक है? और जूट की हो गई, सिल्क की हो गई, कॉटन की होगी, इंडिगो की होगी, ये सारे वो खेती कर लेते थे, और हैंडीक्राफ्ट वाला वर्क जो हमारे कारीगर होते थे वो करते थे, ठीक है? सो जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था वो बहुत ही बढ़िया था एज कम्पेयर टू आफ्टर कॉलोनियल पीरियड. ओके, सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो इफेक्ट आया था हमारा. क्या क्या इफेक्ट आया था? एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन रूल, एंड द थर्ड वन इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ. इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट. एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ये हमने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया हुआ है. सी दिस वन, दिस इज अ फ्लैग ऑफ इंडिया, यू कैन ऑल्सो राइट इंडिया, एंड दैट इज ऑफ ब्रिटेन, ठीक है? ये ब्रिटेन का फ्लैग है और ये हमारा इंडिया का फ्लैग है, ठीक है? सो ये जो था इंडिया, इंडिया से हमारा रॉ मटेरियल जो था हमारा ब्रिटेन वालों के पास जाता था, और ब्रिटेन वाले क्या करते थे? फिनिश गुड्स को तैयार करके हमारी कंट्री में अगेन सेल आउट कर देते थे, ठीक है? सो ये हमारा क्या हो गया कि रॉ मटेरियल इनसे लेके और ये अपने अच्छी एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करके वापस हमारे इंडिया वालों को दे देते थे, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट इज मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन. ये हमारा सेकंड मोनोपोली वाले पॉइंट में मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल. ये जो हमारा ब्रिटिश रूल था उसमें कुछ मोनोपोली थी. मोनोपोली क्या होता है? जब आपको एक राइट मिल जाता है कि आपको ही वो प्रोडक्ट सेल आउट आप ही कर सकते हो, और आपके अलावा जो भी मार्केट में पीपल है वो कोई नहीं सेल आउट कर सकता, ठीक है? तो मोनोपोली राइट मिल गया था. सो दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन. जो हमारा हाफ से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो कहाँ किस पे रिस्ट्रिक्ट हो गया था? ब्रिटेन. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग ऑफ सुजल कैनल इन 1869 रूट, ठीक है? ये जो हमारा सुजल कैनल था ये ओपन हो गया था 1869 में, क्योंकि क्या होता था जब भी हम रॉ मटेरियल मंगवाते थे या वो लेके जाते थे तो क्या होता था कि रूट बहुत ज्यादा हैवी पड़ता था, मींस कि यहाँ से ब्रिटेन लेके जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था ब्रिटेनर्स के लिए. सो उन्होंने क्या किया था, एक कैनल बना लिया था सुजल कैनल 1869 में, सो दैट जो रूट है वो इजिली कवर अप किया जा सके और फिनिश गुड्स अच्छे से आज दे सके, और जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको भी अच्छे से परचेज आउट कर सके. क्लियर? लास्ट पॉइंट इज ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ. अब जो हमारी इंडियन वेल्थ थी वो ड्रेन आउट होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी. उसके लिए क्या क्या रीजन थे? टू मेक द पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस ऑन द ऑफिस सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन. जो ब्रिटेन में जितने भी ऑफिस वगैरह थे उनका सेटअप वगैरह था, जो भी चीज होती थी वो हमारा पेमेंट कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ वॉर फाइट बाय द ब्रिटिश. जो भी एक्सपेंसिस बियर कर रहे थे वो भी कौन से वाले? जो हम फाइट आउट करते थे, एक्सपेंसिस बियर करते थे वॉर के टाइम, ठीक है? लड़ाई के टाइम पे, जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो भी एक्सपेंसिस वगैरह थे वो भी बियर आउट करते थे. एंड द लास्ट वन इज टू मीट द इनविजिबल आइटम्स. बहुत सारी ऐसी इनविजिबल आइटम्स भी होती थी जिनको भी बियर आउट करना पड़ता था, ठीक है? आई होप सो गाइज दिस वन इज क्लियर टू यू. फॉरन एक्सचेंज में हमारे पास क्या क्या आया था? एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट, then we have monopoly control of the Britain rule, and last one is drain of Indian wealth. So that's all for today. Thank you. If you like my video, please give a thumbs up. Thank you and have a nice day.